जनगणना क्यों की जाती है? जनगणना का मुख्य कार्य होता है जितने भी सामाजिक और आर्थिक पक्ष हैं उनको संकलित करके ये करना, ठीक है। तो यदि आप किसी का आर्थिक, सामाजिक, इन सब पहलुओं को यदि आप टच ही नहीं करेंगे, यदि आप उनको जानना ही नहीं चाहेंगे, जैसा कि हमारे पास पत्र आया है कि केवल SC और ST का ही होता है, हम उनका विरोध जरा भी नहीं कर रहे क्योंकि योजनाएँ हैं सभी के लिए, विकास के लिए। तो यदि जनगणना का मूल उद्देश्य क्या है, हम जातिगत जनगणना क्यों बोल रहे हैं, वो तो सिर्फ एक नाम है जातिगत जनगणना। आपको जब तक भारत देश तो जातियों में ही बटा हुआ है ना, ठीक है, भाषाओं में ही बटा हुआ है, यदि आप उसको ही गणना ठीक से नहीं कर पा रहे हैं आज, तो आपके पास में क्या आंकड़े, किसके लिए आप प्लान बना रहे हैं? हम तो सिर्फ इतना चाह रहे हैं जातियों के आधार पर सबकी पहचान है। भाई आज आप न्यूज़ में दिखाते हैं इतने प्रतिशत जाट हैं, इतने प्रतिशत यादव हैं, इतने प्रतिशत मुस्लिम हैं, इतने प्रतिशत हिंदू हैं, इतने प्रतिशत अपने मल्लाह हैं, बिंद हैं, ठीक है, ये आंकड़े आपके पास में हैं, सरकार के पास भी होंगे निश्चित तौर पर, सब किया गया है। आपके पास में चार चार पाँच पाँच सर्वे की संस्थाएँ हैं, आपके पास हेल्थ सर्वे है, टाटा का सर्वे है, कितना कितना सर्वे होता है, आपके पास तो सारे आंकड़े हैं। जब आपको विकास ही करना है तो जाति का नाम बस उल्लेख करने की बात है, इससे आपको कहाँ ऐसा डर लगता है कि हमारा कुछ विकास रुक जाएगा या एक ध्रुवीकरण हो जाएगा या कुछ ऐसा पॉलिटिकल नेक्सस बन जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। ये तो ओपन चीज़ें हैं, आजकल तो साहित्य में सब चीज़ें इंटरनेट पे आपने उपलब्ध करा दिया इस चीज़। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।